प्राचीन तंत्र ग्रंथ में एक पौराणिक कथा आती है कि एक किसान जा रहा था रात्रि के समय से खेत से होकर के, तभी उसने देखा कि गांव के किनारे पर एक शमशान घाट है और वहां पर वो प्रतिदिन जाता था, रात्रि का समय था, तो देखा कि एक दीपक जल रहे हैं और सांझ थी थोड़ी थोड़ी, तो दिखाई पड़ा कि एक अघोरी शव पर बैठा है। किस पे बैठा है? शव जानते हो, मरे हुए व्यक्ति पर। चारों ओर सारी चीजें लगी हुई थी और शव पर बैठा था। तभी एक शेर वहां आया और ये किसान तो ऊपर मारा पेड़ पर चढ़ गया और उस तांत्रिक को, उस अघोरी को वो खा जाता है, ले गया उसको। और इसको ना जाने क्या सूझी, ये उतरा थोड़ी देर बाद में, देखा सब कुछ कोई नहीं है, तो आया और उस शव पे खुद बैठ गया। और बैठते ही मात्र से उसको जो शक्ति अघोरी को मिलने वाली थी, उस इस किसान को मिल गई। तो इसने पूछा, जो तंत्र साधनाओं का विषय है, पूछा उनसे जो देव प्रकट हुआ था कि बताओ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ आके बैठा के, ये कैसे बैठा होगा? उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी सी साधना पूर्व जन्म में रह गई थी और तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया था, और तुम्हारी उस साधना को जागृत करने के लिए ही ये परिस्थिति, ये ऐसा समय लाके खड़ा किया गया कि तुम आकर बस बैठो और तुम्हें उसका फल प्राप्त हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन में, इस जीवन में आप जो भी कमाएंगे, जो भी बनाएंगे, पद बनाए, प्रतिष्ठा बनाए, धन बनाए, बाल बच्चे बनाए, सब छूटेंगे, लेकिन एक चीज नहीं छूटने वाली, और वो है भगवान की हुई भक्ति, की हुई साधना। वो इस जन्म में भी साथ देती है और अनंत